तो बिजनेस करने का सही तरीका क्या? सबसे पहले अपने आपको अपना विजन क्लियर करना, विजन क्लियर करना है, विजन अबाउट इंडस्ट्री, विजन अबाउट योर कंपनी, और विजन कि आपको ये बिजनेस क्या दे सकते। कई बार हम मीटिंग में बता चुके हैं, तीन चीजें चार चीजें मैं ऐड करता हूं हमेशा। सबसे पहला फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसे की आजादी ये देता है अगर आप इसको 5 साल शिद्दत के साथ कर लेते हैं। आप सोच के देखिए ना सर, ऐसे ऐसे लोग जो 10-10, 20-20 हजार रुपए महीने की नौकरी करते थे, 30 हजार 40 हजार अपने प्रोफेशन से कमाते थे, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, और हमने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को शुरू किया और एक दिन हमारा 50 हजार 70 हजार का चेक आना शुरू हुआ। हम 30 हजार अपने प्रोफेशन में कमाते थे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग से 50 हजार 70 हजार आना शुरू हुआ, तो लाइफ चेंज हुई होगी या नहीं होगी? धीरे धीरे और मेहनत की, चेक 1 लाख रुपए का गया, तो लाइफ और बढ़िया हुई होगी या नहीं होगी? हुई होगी। 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख 7.5 लाख रुपए तक तो मेरा चेक गया हुआ दो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। सोच के देखिए, लॉकडाउन जैसी स्थिति के अंदर 1-3 लाख रुपए का चेक आया, खत्म हुआ भी नहीं है क्योंकि खत्म कर नहीं सकते थे आप, और अगले महीने 4.25-4.5 लाख रुपए का चेक आ जाए। ये है इस इंडस्ट्री की पावर दोस्त। तो आप सोच के देखिए, जो आमदनी आज आप अपनी नौकरी या बिजनेस से ले रहे हैं 12-14 घंटे काम करके, उसको उसके साथ साथ इस बिजनेस को अगर आप बिल्ड करते हैं, और आपके 20-30-40-50 हजार एक्स्ट्रा यहाँ से आने शुरू हो जाते हैं, जो रातों रात में नहीं आएंगे, एक दिन में नहीं आएंगे, उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। 20-30 हजार अपनी जॉब से कमा रहे हैं और 20-30 हजार यहाँ से आना शुरू हो जाए, तो 60 हजार रुपये अगर आपके घर में आएगा तो आपकी लाइफस्टाइल बेहतर होगी या नहीं होगी? तो अपने काम के साथ साथ पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, तो फाइनेंशियल फ्रीडम ये बिजनेस आपको देता है अगर सिस्टम को फॉलो करके काम करते हैं। और सोच के देखिए, अगर आप 30 हजार रुपये महीना कमाते हैं, 20 हजार रुपये महीना कमाते हैं, और आप यहाँ मेहनत करते हो, जिस दिन सिक्स फिगर की इनकम पे आप पहुंचते हैं 1 लाख रुपए महीना, तो आपकी लाइफस्टाइल कैसे होगी? सोचना पड़ेगा। वही इंसान करेगा इस बिजनेस को, और वही इंसान सीरियसली करता है जिसको वो फिगर की इनकम चाहिए होती। तो सबसे पहले अपना विजन क्लियर कीजिए। फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, टाइम फ्रीडम देता है ये बिजनेस। आप कब करना है, कब नहीं करना है, कब सोना है, कब उठना है, जब पैसा आना शुरू होता है, जब मजबूत टीम बन जाती है, फिर टाइम आपके हाथ में होता है, आप अपने हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करते हैं। फैमिली सिक्योरिटी यहाँ पे मिलती है। कल को एक मजबूत बिजनेस अगर किसी का हो गया, भगवान ना करे उसको कोई हारी बीमारी हो गई, तब भी ये बिजनेस चलता है, क्योंकि नीचे जो नेटवर्क क्रिएट किया है, जितने नीचे जो लोग बनाए गए हैं, वो सीरियस हो चुके हैं, वो अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं, वो अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी आमदनी बढ़ती है। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस को अकेले बिल्ड करना शुरू किया और 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल लगातार एक कंपनी में काम किया, उनके साथ कोई हादसा हुआ, आज वो दुनिया में नहीं है, उनके जाने के बाद भी नेटवर्क क्रिएट जो करके गए थे वो नेटवर्क काम कर रहा है, और उसकी बदौलत उनके नॉमिनी को उस कंपनी से पैसा जा रहा है। इसको बोलते हैं फैमिली सिक्योरिटी। क्या आपकी जो नौकरी है उसमें जो आप काम कर रहे हो, कल को वो नौकरी अगर आप किसी कारण से आपकी तबीयत खराब हो जाती है, 4-6 महीने उस जॉब पे नहीं जाते हैं, क्या वो जॉब आपको पैसा देता है? नहीं देता दोस्त। 4-6 महीने अपनी दुकान या अपने बिजनेस पे आप नहीं जाते, क्या वो बिजनेस आपको पैसा देगा? नहीं देगा। लेकिन जिस काम को लोग गलत समझते हैं, मेंबर बनाने वाला काम है, लोगों को जोड़ने वाला काम है, ठीक है, टीम बनाने वाला काम है, उनको ये समझ में नहीं आया कि ये टीम मेंबर, ये नेटवर्क क्यों क्रिएट करना है। नेटवर्क इसलिए क्रिएट करना है, टीम इसलिए बनानी है, मेंबर इसलिए बनाना है, क्योंकि एक दिन वो टीम क्रिएट हो गई ना दोस्त, अगर आपको कुछ हो गया ना, वो टीम है जिंदा, वो टीम काम कर रही है, सबको एक साथ कुछ नहीं हो सकता, वो टीम काम कर रही है, आपके हिस्से का पैसा जो बनता है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। और उसके बाद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, नेम एंड फेम ये बिजनेस आपको देता है। ये चार चीजें मुझे समझ में आई थी, नेम एंड फेम, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और फैमिली सिक्योरिटी, और इन चारों के लिए मैंने नेटवर्क बिजनेस को किया था, वरना दोस्त 20-30 हजार रुपए तो मैं भी अपने बिजनेस से कमा रहा था उसमें। आज से अगर मैं 26-27 साल पहले की बात करूं तो 20-30 हजार रुपए तो मैं भी उस वक्त कमा था। ऐसा थोड़ी था कि मैं खाली था, या जितने भी लोग आज नेटवर्क बिजनेस में सफल हैं उनको कोई काम धंधा नहीं था, उनके पास कोई नौकरी नहीं थी, ऐसा नहीं था।
हम लोगों ने भी अपने काम के साथ साथ ही इस बिजनेस को बिल्ड किया था। चैलेंज हमें भी आए थे, दिक्कत हमें भी आए थे, लेकिन हमारा विजन क्लियर था कि हमें क्या मिलने वाला है। शायद आप अभी इसलिए सीरियस नहीं है क्योंकि आपका विजन क्लियर नहीं है। 100 100 200 200 300 300 रुपए कमाने के लिए भाई साहब आदमी को कितने कितने किलोमीटर जाना पड़ता है, कितने कितने घंटे काम करना पड़ता है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको अपना विजन क्लियर करना है कि आपको सही से बिजनेस करना भी है या नहीं करना, ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है और ये बिजनेस सही से करना चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं, ये बात आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब लोग पैसा तो बनाना चाहते हैं, लोग पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन सही से इस बिजनेस को करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये दोनों चीजें आपस में मेल नहीं खाती। किसी भी फील्ड में सफलता तभी मिलती है, पैसा जब भी मिलती है, जब सामने वाले की इच्छा हो उसको लेने की। अगर इच्छा ही नहीं है तो फिर जबरदस्ती वाला काम। सुनील गावस्कर जो है, सुनील गावस्कर की खुद की इच्छा थी कि मुझे क्रिकेटर बनना है, वो बन गए। लेकिन उनके बेटे रोहन गावस्कर की शायद उतनी तीव्र इच्छा नहीं थी, लेकिन सुनील गावस्कर की ये चाहती कि मेरा बेटा भी मेरी तरह क्रिकेटर बने, नहीं बन पाया ना। सचिन तेंदुलकर की खुद की चाहत थी कि मुझे क्रिकेट खेलना है, और वो जब फील्ड पे जाते थे, प्रैक्टिस करते थे या फील्ड में जाके जब क्रिकेट खेलते थे तो वो अपना 100% देते थे, क्रिकेट के भगवान बन गए। लेकिन उनका बेटा वो क्रिकेट का भगवान नहीं बन पाया, वो कुछ रिकॉर्ड नहीं बना पाया उस तरीके के जो सचिन तेंदुलकर बनाते, क्योंकि सचिन तेंदुलकर खुद बनना चाहते थे, उनके बेटे को बनाने की कोशिश की जा रही। अमिताभ बच्चन जो फिल्म इंडस्ट्री में कर गए, अभिषेक बच्चन नहीं कर पाए क्योंकि अमिताभ बच्चन की स्वयं की इच्छा थी। उनकी तो सरकारी जॉब लग गई थी भाई साहब, उनके पिताजी तो उनको बैरिस्टर वकील बनाने वाले थे ना, पैसे की कोई कमी नहीं थी ना, बहुत बड़े कवि थे उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी। लेकिन उनकी सोच कुछ अलग थी, उनकी चाहत कुछ अलग थी, उनकी चाहत उनका पैशन था एक्टिंग, और उसमें कूद गए। बैक टू बैक 9 फिल्में सर फ्लॉप हुई, लोगों ने कहा ये आदमी चलने वाला नहीं है। आपके मेरे जैसा वो आदमी होता रास्ता बदल लेता, लेकिन फिर भी लगे रहे दोस्त। फिर आई जंजीर फिल्म, उसके बाद पीछे मुड़के नहीं देखा, और आज इस एज में भी 80 82 साल की एज में भी वो इंसान आपसे और मेरे से ज्यादा काम करता है। लेकिन उनका बेटा जो उनसे ज्यादा यंग है, जिनके पिताजी के पास अनुभव भी था एक्टिंग का, नाम भी था, शोहरत भी थी, सर्किल भी था, अपने बेटे को फिल्में दिलाने में भी उन्होंने बहुत सारी चीजों का अपना अपना जो औहदा है उसका असर दिखाया। लेकिन अभिषेक बच्चन उस स्तर पे नहीं पहुंच पाया, पता है क्यों? क्योंकि अभिषेक बच्चन को एक्टर बनाने की कोशिश की जा रही, अंदर से नहीं आता। तो आप चेक कीजिए कि आप ये बिजनेस करना चाहते भी हैं नहीं चाहते, आपके अंदर से ये बिजनेस करने की इच्छा आती है या नहीं आती। और केवल इच्छा से नहीं होगा, इच्छा के बाद जो बताया जा रहा है उसको एज इट इज अगर करेंगे तो सफलता मिलती है। लोगों के समस्या क्या है, लोगों के अंदर इच्छा भी जागृत हो जाती है लेकिन एक्चुअल में वो जो एक्शन लेते हैं ना, वो एक्शन लेने का तरीका उनका अपना होता है, वो अपना अपने तरीके से एक्शन लेते हैं, तभी वो फेल हो जाते हैं। कई बार आपको लगता होगा यार मैं तो अमीर बनना चाहता हूँ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से, मैं तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के प्रति पॉजिटिव भी हूँ, फिर भी मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिलता। सब तो बोल रहे हैं इच्छा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, मेरे अंदर तो बहुत इच्छा है, मैं तो अपना काम धंधा भी नहीं देखता हूँ यार, मैं तो डूबा हुआ हूँ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। लेकिन अपने आपको चेक करना पड़ेगा, क्या आप और आपकी टीम डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं? यदि आप डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं फिर आपकी इच्छा भी काम नहीं करेगी, क्योंकि काम करने का तरीका पैटर्न समझना बहुत ज्यादा, उनके सिद्धांतों को उनके नियम को फॉलो करना बहुत ज्यादा। जैसे कोई क्रिकेटर अगर क्रिकेट में खेल रहा है ना, बॉलर अगर बॉल फेंक रहा है तो 1 ओवर में एक ही बाउंसर फेंक सकता हो, ये नियम है। अब वो लगातार बाउंसर फेंकेगा तो 9 बॉल होगी दोस्त, सामने से वो बॉल फेंक के आ रहा है, एक एक बाउंड्री है, एक लाइन है, उससे पैर अगर बाहर चला जाता है तो 9 बॉल हो जाती है। अगर ये नियम ना बनाया होता तो बाहर फेंक के दुनिया भर के बॉल देते, बाउंसर फेंक फेंक के लोग सर तोड़ देते। तो नियम बने ना, हर क्षेत्र में नियम को फॉलो करना पड़ता। तो सबसे पहले आपको विजन क्लियर करना है कि आपको ये बिजनेस करना है या नहीं करना।